कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिन के दिवाली ब्रेक के बाद गुरुवार को तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकतल से बहाल हुई। यात्रा जब सुबह 6:30 बजे मकतल से शुरू हुई तो राहुल गांधी के साथ सबसे पहले नजर आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन। राहुल और अजहरुद्दीन के साथ चलने की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अजहरुद्दीन ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, मिशन पर निकले राहुल गांधी जी के साथ चल रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का उनका अथक प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ ला रहा है और देश को फिर से एक कर रहा है। बहरहाल गुरुवार को 26.7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल ने एक सभा को संबोधित किया और आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियां लोकतंत्र विरोधी हैं, विधायकों को खरीदती हैं और सरकारें गिराती हैं। इसके बाद शुक्रवार को नारायणपेट जिले के यली गंदला से भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हुई। तेलंगाना में इस यात्रा के तीसरे दिन इसके 23.3 किलोमीटर की दूरी तय करने की उम्मीद है। भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार रात को महबूब नगर में रुकेगी। तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगी यात्रा। मकतल से तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा 16 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान 19 विधानसभाएं और 7 संसदीय क्षेत्रों से गुजरते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा के दौरान 4 नवंबर को एक दिन का विश्राम रहेगा। 7 सितंबर को शुरू हुई थी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू की गई थी। यात्रा के तेलंगाना चरण की शुरुआत से पहले राहुल ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पदयात्रा की। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ने यात्रा के दौरान समन्वय के लिए 10 विशेष समितियों का गठन किया है। NBTO ऑनलाइन की रिपोर्ट।